स्टोरी बता भाई, सीजी में क्या हुआ यार? देखो कैसे समझाऊँ तेरे को, मैं नहीं चाहता ना कि बहुत बहुत बीटी पड़ जाएगी, बहुत जगह, बहुत कहीं, बहुत लोगों को। तो चलो मैं काम करता हूँ ऐसे कि क्रीम क्रीम ऊपर ऊपर इग्नोर कैसे कर रहा है? अरे भाई जूसी भाई, बिग फैन यार जूसी भाई। अक्षत नहीं खेलेगा साथ में? अक्षत का सीन ऐसा था कि जब ये बीएमबीएस वाला सीन हुआ था तो मैंने अक्षत से पूछा था कि क्या सीन है क्या नहीं। तो अक्षत कैसा था कि वो प्लेइंग फॉर्म में तो अभी रह नहीं सकता क्योंकि उसका थोड़ा घर वाला इशू है। तो फिर उसने वहीं पे फिफ्थ रजिस्टर कर दिया क्योंकि उस टाइम पे कहीं मैं भी नहीं था, मेरा भी कोई सीन टीम वीम का। तो उसको जहाँ ठीक लगा वो उसने किया, तो ठीक है जैसा भी है, कुछ ऐसे कोई वो थोड़ी है। हाँ तो फाइनल फाइनल ब्रीफिंग ये है कि बीजेएस के टाइम पे, जैसे बीजेएस खत्म हुआ तो बीजेएस के बाद हम लोगों ने मीटिंग की थी। एंड उस मीटिंग में कई सारे ऑप्शंस रखे थे मैं कि ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, तो जैसा भी है देख के और बता दो क्या करना है। ठीक है, तो सबने अपना डिसीजन विजन बना दिया था। और हाँ तो ठीक है, बीजेएस के बाद जो भी डिस्कशन हुआ वो डिस्कशन ऐसा था कि जो भी डिसीजन हुआ, डिसीजन निकल के आया था कि अक्षत ब्रेक ले रहा है। ठीक है, कि और वो भी एक अलग डिफरेंट स्टोरी है, उसका भी एक रीज़न है, उसका यहीं से रिलेटेड सारी चीज़ है। ठीक है, उसका भी कुछ खास मन हो नहीं रहा था क्योंकि जो सब चुतिया पे बहुत टाइम से चल रहे थे, तो देखो उसने मेरे को जैसा हमारी जो बातें होती थी उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता अब कहाँ क्या बात होती है, किसकी कहाँ। अब तो मेरे को किसी का कुछ नहीं पता कि कहाँ किसकी क्या बात हो रही है, होती है नहीं पता, नो आइडिया। तो उसमें ऐसा था कि उसका भी कुछ खास वो नहीं था, तो हमने सोचा था कि ये वाला जो इवेंट आएगा बीजीएमएस, इसमें ये वाली चीज़ है, हमने एक डिसीजन पे आए थे, ये वाली चीज़ ट्राई करते हैं, और अगर ये चीज़ वर्कआउट नहीं करती है तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या सीन है। ठीक है, तो वो डिसीजन ऐसा था कि अक्षत की जगह एमएस पावर वाला सीन था, एक दो और भी था, हाँ एक अक्षत ही एस पावर को लेकर आया था। अमित भाई वाला भी ऐसा था कि सबको ऐसा कन्फ्यूजन था, मतलब एक दिमाग में बैठ जाती है ना एक चीज़, वही बात है कि वही सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वही सेम चीज़ मेरे साइड वाला बोल रहा है। अब थर्ड पर्सन पे है ना इंसान पे कि वो मेरी सुनेगा या उसकी सुनेगा, ऐसा टाइप बोल, हम दोनों सेम ही बात रहे, तो वो वाला सीन था अमित का। तो ठीक है अमित वाला भी करके कि ठीक है ओवेस को हम लोग लेके आए। ठीक है, उसके बाद चल रहा है प्रैक्टिस चल रही है और ठीक है बीजीएमएस वाला सीन चल रहा है। तो फिर ऐसा हुआ कि बीजीएमएस से एक दिन पहले मेरे को पता चलता है कि कहाँ किसने किससे क्या बात हुई है आपस में बात, मेरे को मतलब उससे पहले मेरे को जीरो आइडिया नहीं है, मेरे को बाद में बहुत सारी चीज़ें पता चली जो मैं नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पे। बाद में मेरे को पता चला कि कहाँ से क्या क्या हो रहा है, क्या सीन है। तो बट हाँ फिर वहाँ पे डिसीजन ये था कि बीजीएमएस ऐसा ऐसा है, तो हाँ ऑब्वियसली बात है मैं उस चीज़ पे एग्रीड नहीं था। बट हाँ फिर मेरी मैनेजमेंट से बात हुई तो उन लोगों ने बोला कि बीजीएमएस बीजीएमएस का है ये वो, बहुत सारी चीज़ें थी जो उन लोगों ने बोली। फिर किस दिन बात करेंगे उस चीज़ पे, ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि हाँ वो सारी चीज़ हुआ। फिर बात शिफ्ट होगी बीएमपीएस पे, तो फिर बीएमपीएस का रजिस्ट्रेशन जैसे कल रात को आया है ऐसा टाइप, और अभी आज दिन में कुछ ऐसा देना वेना है, तो उस टाइम पे मेरे को पता भी नहीं था कि इनवाइट वगैरह है, मेरे को किसी ने बताया नहीं। तो बिल्कुल जब वो नाम देने वाला और वो सारी चीज़ें आई थी तो उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ बातें बातें हुई। तो अरे वो यार मैं अभी स्ट्रीम पे बता नहीं सकता ना यार, वो थोड़ी सी वो हो जाती है अंदर की, बीटी वीटी नहीं चाहिए मेरे को ज़्यादा। तो उसके बाद बीएमपीएस के बाद ऐसा था कि मेरे को टीम वाला सीन था कि बेसिकली उन लोगों ने बोला कि उन लोगों का सॉल्टर चाहिए, मतलब ऐसा था कि मोगो मैस पावर वाला हो गया था, तो फिर हमारे छोटा सा डिस्कशन टाइप हुआ। तो उस डिस्कशन में मतलब मेरे को ऑलरेडी पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, क्या सीन है, क्योंकि हर जगह से खबर आई जाती है, मैं नया तो हूँ नहीं, तो लोगों को लगता है मेरे को कुछ पता नहीं होता, बट मेरे को स्टार्ट से लेकर एंड तक सब पता रहता है। तो सारी चीज़ मेरे को पता थी कि क्या लोगों ने क्या प्लान कर रखा है क्या नहीं, तो वो एक डिकॉय की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे, बट मेरे को ऑलरेडी पता था क्या होने वाला है क्या सीन है। तो
उस टाइम पे डिस्कशन ऐसा हुआ था कि एक असोल्टर चाहिए, तो फिर जब ये असोल्टर वाली बात आ गई कि ये भी नहीं कैसा कुछ सीन था कि कोई ना अपन गेमपीस वाला वो होता है ये होगा है, जो भी है सीन रहेगा खेलेंगे नहीं, उस टाइम पे फिर यही वाली बात निकल के कि ये असोल्टर चाहिए, तो फिर मैं वहीं पे क्लियर हो गया था सारी चीज़ें। तो फिर मैंने एंड मोमेंट पर मैंने ट्राई किया कई सारी जगह, मेरे को था ऐसा कि मिस नहीं करना है मेरे को कि कुछ ना कुछ खेलेंगे बी एम पी एस के लिए, तो कई जगह मैंने बात की, बट ऐसा था कि ऑलमोस्ट हर किसी ने रजिस्टर कर दिया था। तो फिर जो जो जैसे जैसे करके बात की और टेसरेक्ट वालों से बात की, उन लोगों ने भी बहुत हेल्प की, एंड फाइनली मैं WSB में, एंड उसके बाद से अपनी प्रैक्टिस शुरू है। तो BMPS के बाद देखते हैं आगे का क्या सीन है क्या नहीं, बट हाँ स्टार्टिंग से एंड तक इन शॉर्ट यही है। अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो मेरे को शायद 4-5 स्ट्रीम लग जाएंगी कि जो जो सामने सामने चीज़ है, तो समझ रहे हो। और उसके बाद भाई ठीक है, उसके बाद चल रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं है। बट हाँ इन सारी चीज़ों से मेरे को जो समझ में आया और जो सीखने में मिला वो यही है कि आई थिंक कभी कभी इंसान को सेल्फिश होना चाहिए, मतलब ऐसा टाइम गट फीलिंग और वो जो चीज़ें बहुत पहले से आ रही होती हैं तुम्हारे अंदर की, हाँ उस टाइम पे अपनी गट की सुन लेनी चाहिए, ना कि ये देख के कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, किसी का क्या इशू है, वो सारे इशूज़, मतलब बेसिकली दूसरों का भला इतना नहीं करना चाहिए, अपने आप को सबसे पहले रखना चाहिए, बात खत्म। अब कुछ नहीं है, किसी की गलती नहीं है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सब अपनी जगह ठीक है, ठीक है, इस बात को यहीं हटा दो। मेरे को ना इस चीज़ के ऊपर बात करनी है ना कर और कुछ ऐसा, मैं इस चीज़ को एक चैप्टर है जो हो गया, ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। वापस से हम चाहे अब हम कहीं पे थे वहाँ से हम बेस लेवल पे आ गए हो, कहीं भी आ गए हो, अब हाँ यहाँ से एक नई स्टार्ट है और अब ये नई स्टार्ट ही है, तो अब अच्छे से करेंगे वापस से सारी चीज़ें और फ्यूचर में पता चल जाएगा कि कहाँ क्या दिक्कत है। तो ओके okay.